इस साल लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टी आपके घर वोट मांगने आए उसका स्वागत उसी के चुनाव चिन्ह से करें। बीजेपी का फूल से, कांग्रेस का हाथ से और केजरीवाल का झाड़ू से। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय जगदम्बे। स्वागत है सभी का आज के नए वीडियो में आपके अपने सनातनी चैनल द रॉक बाबा में। तो हमेशा की तरह कृपया वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट पे प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और एक कट्टर सनातनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सनातनी भाई का साथ दीजिए। चलिए ज्यादा विलम्ब ना करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from order of Anjuman Intizamia, which was directed against 17th of January order and 31st of January order, and the effect of this order is that the puja will continue, and if the Anjuman Intizamia comes to the Supreme Court, we will file our caveat before the Honorable Supreme Court. Nickelodeon. वो जम्मू कश्मीर के मुद्दा को कौन सा मुद्दा बनाना चाहता है? धार्मिक मुद्दा। कौन सा मुद्दा? धार्मिक मुद्दा बनाना। इस चीज को आप समझिएगा। अब उनको ये बोलिए कि तुम्हें लड़ना है तो वर्दी पहन के आना, नहीं आएंगे सब। जबकि लड़ने के लिए अच्छा कौन होता है? वो क्या पहन के आएगा? टोपी। और क्या पहनेगा? कुर्ता पजामा। अब मर रहे हो तो जैसे भारत की सैनिक मारते, भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते? तुम भी बोलो नजायज औलाद पाकिस्तान की जय। आप लोग समर्थन करने नहीं जा रहे हैं? आपके नेता किसान नेता जो है वो धरना दे रहे हैं। हमें तो टाइम ही नहीं है जाने का, हम कहाँ से जाएंगे? अपने बच्चों को करके खिलाएंगे तो हम कहाँ से जाएंगे? हमारे पास टाइम नहीं है इतना। तो आप लोग ये पालक वालक बेच रहे हो, वहाँ धरना देने जाओ, वहाँ से फायदा मिलेगा आपको? अरे नहीं, हमारा इसमें फायदा होता है, हमारा वहाँ से क्या फायदा होगा? तो ये जो धरना दे रहे हैं वो क्या किसान नहीं है? नहीं, वो किसान कहाँ है? किसान होते तो वो खेत में होते, वहाँ रोड पे होते। हाँ जी, किसान होते तो खेत पे होते, खेत में होते। तो वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों की समस्या लेके दिल्ली जा रहे हैं। नहीं जी, वो अलग किसान है, ये खेती वाले किसान तो यहाँ है ना खेत में। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से पहुँच रहे हैं। तो हमारे पास गाड़ियाँ कहाँ? हम तो जो अपने रिश्ता लेके जाते हैं। अरे माता जी कैसी हो? ठीक है। आप भी घूम के आए? तीर्थ यात्रा कहीं नहीं? आई आई आई। कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई। अच्छा, करवाओ तो करवाओ, मेरा भी बीमार है कुछ। क्या बताओ, 8,00,000 रुपया बिजली का आया है? बिजली तो जीरो आया है, पानी का अम्मा भरने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा, जीरो करा दूंगा। चल झूठा, खाने को नहीं कहाँ से भरे? नहीं, जीरो जीरो करा दूंगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, मगर सबसे पहले एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे, जो ठोक के जवाब देना जाने को मोदी को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा है, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, छोटी काट देंगे, छोटी छोटी। सॉरी 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 सॉरी। मैं एक आदिवासी हूँ, मेरे को बोला जा रहा है तू हिंदू नहीं है, बुद्धा है, मतलब यार कुछ भी। फिर कुछ दिन बाद बोला जाएगा तू बुद्धा नहीं है, मुस्लिम है, मतलब मैं मुस्लिम को मान लूंगा। फिर कुछ दिन बाद बोला जाएगा ये हिंदुस्तान नहीं है, मुस्लिम स्थान है, मैं मान लूंगा। फिर कुछ दिन बाद बोला जाएगा तुम्हारा जो बच्चा पैदा हुआ है उसका लोन कर दो, मतलब मैं लोन कर दूंगा। फिर कुछ दिन बाद बोला जाएगा तुम तलाक कर लो, मतलब मैं तलाक कर लूंगा। यार कुछ भी, बचपन से मेरा माँ बाप भगवान राम को शिव को पूछ के बोरा हुआ है, मैं भी भगवान राम को शिव को पूछ के बोरा हुआ हूँ। गौरव से कहता हूँ मैं हिंदू, किसी बाप का औकात नहीं है हम आदिवासी को हिंदू से अलग करने का। जैन 1992 के पहले कभी हिंदू बौद्ध का झगड़ा नहीं होता था, हिंदू जैन का कभी झगड़ा नहीं होता था। ये 1992 से हुआ। कैसे हुआ कि माइनॉरिटी को उन्होंने बौद्ध और जैन को भी माइनॉरिटी घोषित कर दिया, सिख को भी माइनॉरिटी घोषित कर दिया। अच्छा। तो एक तरीके से जिसको फायदा देना था उसको फायदा दिया, दूसरा हिंदुओं को आपस में बांट दिया। तमिलनाडु में मान लीजिए कोई झुग्गी है, झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है। झुग्गी में रहने वालों का इकोनॉमिक स्टेटस एक ही होता है। झुग्गी नंबर 2 में जो मुस्लिम है उसको 1,000 रुपए महीने का वजीफा मिल रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है उसको भी 1,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन झुग्गी नंबर 1 में जो हिंदू रह रहा है उसको 1,000 नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको मेजोरिटी मान लिया गया। अब नतीजा ये हुआ
कि गरीब क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता, गरीब आदमी क्या करे, उसको तो पैसा चाहिए। तो जब एडमिशन कराता है तो नाम तो अपना वही रखता है, रामचंद्रम, राम मंगलम, जो भी नाम रखता है, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में वो क्रिश्चियन लिख देता है। तो एक तरीके से हमारे आपके टैक्स के पैसे से स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। स्कूल रोकने की कोशिश करी, इतने घटिया लोग हैं ये लोग, दिल्ली के स्कूल, ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को जो शिक्षा इनके बच्चों को मिलती है वैसी शिक्षा नहीं मिलने की गरीबों को। इन्होंने दिल्ली के अस्पताल रोकने की कोशिश करी, पिछले साल इन्होंने 3 महीने के लिए, ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को, रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। ये जोक है, ये जोक है। कठोर यादव है इनका नाम, देखिए आप पहले तस्वीर देखिए, इनके पूरे शरीर पर जो लिखा हुआ है लालू राबड़ी जिंदाबाद, और 3 लोग आए हैं महुआ से, और भैंस के शरीर पर भी लिखा हुआ है लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, लालटेन की तस्वीर लगी हुई है। याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो इस देश का हिंदू कहां जाएगा। आज मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष ने एक बयान दिया कि हमें अनुसूचित जाति जनजाति का वोट नहीं चाहिए, हमें तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। एक लाख 60,000 का फोन है, तू है गरीब, तुम है गरीब, ये फिरोज खान के पोते के चेले हैं, सुनिए पप्पू खान, क्योंकि वो 54 साल का युवा, 6 साल बाद उसकी पेंशन, हाफ टिकट। आप ये सद्दाम हुसैन को मानने वाले हैं? मिर्चे को मानने वाले हैं हम, गोडसे को मानने वाले हैं, इसमें हत्यारे को मानते हैं। देख लो देश की जनता से अपील है, बीजेपी को बिल्कुल भगाओ, ये देश की हत्यारे को, बीजेपी को भगाओ, बीजेपी थोड़ी मोटी हो रही है, उनको भगाओ, उनको पतला करो, इनको छोड़ो। सुनो, हम गोडसे वाले हैं, हम गांधी वाले नहीं हैं, हम गोडसे वाले हैं, हम अपना हीरो गोडसे को मानते हैं, समझ रहे हैं। अगर अभी गोडसे ना होता तो ये भी अभी पाकिस्तान में जलेबी तल रहे होते। उन्नीस सौ 1980 की बात है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी तो कांग्रेस ने नारा दिया था इंदिरा लाओ देश बचाओ, यानी तब कांग्रेस की हैसियत मानी जाती थी कि वो आएगी तो देश बचेगा। अब जब हम लोग जवान हो गए थे, ये 1998 की बात है, 97 के दिसंबर में जब सोनिया जी को लाने की बात थी तो नारा संकुचित हो गया था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, यानी अब देश बच गया, कांग्रेस बच जाए। आज अगर आपकी बात सच मानी जाए तो प्रियंका लाओ गठबंधन बचाओ, अरे भैया एक गठबंधन मिल जाए उतना काफी है, परंतु एक यथार्थ की बात, अनेक प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के देख लिए गए, जी, ये जी, भी जी। देख लीजिए, मैं एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि भैया बबुआ और बुआ जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही चूंकि नियत नेक। जी जी, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार लिखिएगा, और मेरे जो भाई बहन आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो अपनी इच्छा अनुसार अपने सनातनी भाई को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। कोट करती हूँ कि गीता जी का 4वां अध्याय का 13वां श्लोक ये कहता है कि चातुर्वण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्ता रमपि माम विद्यम कर्ता रमवयम, कि श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि चारों वर्ण उन्होंने बनाए गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के विभाग से। ये बाद में मुगल आए, कम्युनिस्ट आए, अंग्रेज आए, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल किया और हिंदुओं को बांटा। तो मैं तो नारा देती हूँ, हिंदू हिंदू भाई भाई, आप क्यों हिंदू आपस में लड़ रहे हो, मैं इसके खिलाफ हूँ। हिंदू हिंदू भाई भाई है, हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं हो, नहीं हो सकता है ना, लेकिन फिर वो भाई अपने ही हिंदू भाई का सर तन से जुदा कर रहा है, तो एक तरफा भाईचारा तो चल नहीं सकता।